शेयर मार्केट में काम तो स्टार्ट कर देते हैं और हमें प्रॉफिट भी होने लगता है, मगर हमें ये जानकारी नहीं होती कि शेयर मार्केट की इनकम पर हमें कितना टैक्स पे करना है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि शेयर मार्केट की किस इनकम पर हमें कितना टैक्स पे करना होता है। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट में कितने तरीके से इनकम हो सकती है। देखिए, शेयर मार्केट में इनकम के मेनली 5 तरीके हैं और हर तरीके का टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग-अलग होता है। हम यहां पर एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। देखिए, जब आप कोई शेयर को होल्ड करके रखते हैं और कंपनी इन फ्यूचर कभी भी डिविडेंड देने की घोषणा करती है तो आपको उससे प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होता है। देखिए, उसमें जो टैक्स का क्राइटेरिया है वो है टैक्स स्लैब के अनुसार, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है कि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद इतना होगा तो इतना टैक्स लगेगा, वो स्लैब है, उसी स्लैब के अनुसार ही आपको टैक्स पे करना है। इसमें कुछ ज्यादा उलझन वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है कैश इंट्राडे। देखिए, जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं, जैसे कि आज मैंने खरीदा और आज ही उसको बेच दिया, उससे मुझे जो प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी टैक्स स्लैब के अनुसार ही लगेगा। यानी कि जो पिछला अभी मैंने बताया डिविडेंड के लिए, सेम क्राइटेरिया है और सेम तरीके से आपको टैक्स पे करना है। लेकिन यहां पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो भी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, आपने प्रॉफिट किया तब तो आपको टैक्स लग गया, लेकिन अगर आपने लॉस किया तब क्या होगा? देखिए, अगर आपने लॉस किया तो उस लॉस को आप प्रॉफिट के साथ 4 साल तक रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने 4 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, 4 लाख का मेरा नुकसान हो गया, मुझे लॉस हो गया, तो अब मुझे 4 साल तक अगर 4 लाख का प्रॉफिट हो गया तो मुझे टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि 4 लाख का मेरे को लॉस है और 4 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। यानी कि मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि अगर आपने अभी लॉस किया है, उस लॉस को आप अगले 4 साल तक रिकवर कर सकते हैं। यानी 4 साल में कभी भी प्रॉफिट करेंगे तो उसके साथ मर्ज हो जाएगा और आपको उस प्रॉफिट पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट है यहां पर लॉस एडजस्ट ओनली विद इंट्राडे प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने कैश इंट्राडे में लॉस किया है तो उसको आप कैश इंट्राडे से ही रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फ्यूचर ऑप्शन कर लिया उससे रिकवर कर लिया, या फिर आपका जो होल्डिंग्स है या फिर जो आपने होल्ड किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए उससे आप रिकवर कर ले, ऐसा नहीं होगा। आपने जो कैश इंट्राडे में लॉस किया है उसको कैश इंट्राडे के प्रॉफिट से ही मर्ज किया जा सकता है, यानी कि उसको उसी से मर्ज किया जा सकता है, और किसी से अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो अलग चीज है। ठीक है ना, कैश इंट्राडे का कैश इंट्राडे से ही आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि अगर आप आज आपने शेयर को खरीदा और खरीदने के बाद डिलीवरी ले ली और उसको 1 साल के पहले कभी भी बेचा, 1 साल के बाद हो जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन 1 साल के पहले अगर आपने कभी भी बेचा, जैसे आपने आज खरीदा डिलीवरी ले ली, आपने 1 हफ्ते बाद बेचा, 1 महीने बाद बेचा, या 3 महीने बाद बेचा, या 5 महीने बाद बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, वो गिना जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल। आपने डिलीवरी लिया 1 साल के पहले बेचा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना है 15%। यानी कि यहां पर ऐसा उलझन वाला कोई चीज नहीं, आपको नेट 15% का यहां पर टैक्स देना है। उसके बाद जो प्रॉफिट जो लॉस है आपका, जो प्रॉफिट लॉस है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं 8 साल तक। उसमें क्या था, 4 साल तक कर सकते थे, इसमें 8 साल तक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 4 लाख रुपए का नुकसान किया है तो 8 साल तक कभी भी आपको 4 लाख का प्रॉफिट होगा तो आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन एडजस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी बताया नहीं है, लेकिन इस जो ये लॉस हुआ है, इस लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी दोनों में आपको कभी भी प्रॉफिट, इसमें लॉस हुआ उसमें आपको प्रॉफिट कभी भी हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ या उसमें प्रॉफिट हुआ, दोनों में कभी भी हुआ, आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये होता है कि अगर आपने शेयर को खरीदा, डिलीवरी ली और 1 साल के बाद उसको बेचा, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। और देखिए, यहां पर एक छूट मिलती है, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है, यानी शेयर को 1 साल बाद बेचकर प्रॉफिट किया है, तो 1 लाख तक आपको कोई भी यहां पर टैक्स नहीं भरना है। यानी कि 1 लाख तक आपने प्रॉफिट किया है तो कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख के बाद जितना भी आपने कमाई किया है, जैसे 1 लाख 10 हजार किया है, तो 10 हजार पर आपको टैक्स लगेगा,
1 लाख पर नहीं लगेगा, 1 लाख तक छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर 1 लाख के बाद आपको 10% का टैक्स देना है। आपने देखो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 15% का टैक्स था, लेकिन यहाँ पर टैक्स भी कम है और 1 लाख तक की छूट भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर इस लॉस को भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस होगा उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर पाओगे। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, यानी कि आपको 4 लाख का नुकसान लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस के अनुसार हुआ है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर पाएंगे। उसको आप ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या था, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म को केवल लॉन्ग टर्म से ही किया जा सकता है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट यहां पर जो है FNO ट्रेडिंग, यानी कि जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें क्या करना है। देखिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके का बिजनेस जरूर है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और इसमें आपको जो टैक्स पे करना है वो आपको टैक्स स्लैब के अनुसार करना है, यानी 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, उसके बाद जो भी कमाई होगी उसमें आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, और उसमें आपको टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स पे करना है। और लॉस कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 ईयर, यानी कि अगर आपको लॉस होता है तो इस लॉस को आप अगले 8 साल तक कभी भी प्रॉफिट करेंगे तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये 5 तरीके की कमाई है, और 5ों तरीकों में टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है जो मैंने आपको बताया। आई थिंक आप समझ गए होंगे और आपको काफी कुछ यहां से चीजें क्लियर हुई होंगी। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जरूर बताएंगे। और देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपको भी कहीं ना कहीं अच्छे वीडियोज यहां पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।